हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने आधार कार्ड के जरिए लोन ले सकते हो, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। जी हाँ दोस्तों, बेहद आसान तरीके से आप अपने आधार कार्ड के जरिए लोन ले सकते हो। चाहे आप जॉब करते हो या नहीं करते हो, चाहे आपके पास प्रॉपर्टी हो या फिर ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज की इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड के जरिए घर बैठे ऑनलाइन लोन पा सकते हो। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लोन से संबंधित हर दिन नए नए टिप्स चाहिए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आधार कार्ड से लोन लेने के लिए आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। फर्स्ट है आधार कार्ड, सेकंड है पैन कार्ड और थर्ड है बैंक अकाउंट। बस ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है स्मार्ट कॉइन। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन आपको फर्स्ट टाइम 4,000 रुपीज का लोन देता है जो आपको 7 डेज के अंदर रीपे करना होता है। अगर आपने लिया हुआ लोन आप समय पर रीपे करते हो तो आप 20,000 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप 20,000 रुपीज का लोन लेते हो और उसको टाइम पे रीपे करते हो तो आप 50,000 रुपीज का लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अभी मैं आपको इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है वो बताता हूँ, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर आपका खुद का नाम डालना है जो आधार कार्ड पे है। उसके बाद आपका व्हाट्सएप का नंबर डालना है और तीनों ऑप्शन पर टिक करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, लॉगिन बटन पर। फिर लॉगिन आपको करना है अपने जीमेल एड्रेस से, फिर आपका फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका लिविंग एड्रेस डालना है। उसके बाद आप मैरिड हो कि नहीं, यस और नो पे टिक करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डालना है, उसके बाद आपका डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना है और आपकी मंथली सैलरी कितनी है वो एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अभी आप इस एप्लीकेशन के होम पेज पे हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4,000 रुपीज का फर्स्ट लोन है जो आपको 2 वीक में रीपे करना है। उसके लिए अप्लाई पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर बताना है कि आप वो लोन क्यों ले रहे हो। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे कितने चार्जेस वगैरह है और अप्लाई पे क्लिक करना है। फिर अभी आपको यहाँ पर अपनी KYC अपलोड करनी है, आपके आधार कार्ड का फ्रंट साइड का फ़ोटो और बैक साइड का फ़ोटो डालना है। उसके बाद अपनी खुद की एक सेल्फी और अपने सिग्नेचर का फ़ोटो डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाने के बाद आपको आपके आधार कार्ड को स्कैन करना है और आपके बैंक अकाउंट का नंबर डालना है जिस बैंक अकाउंट में आपको पैसे चाहिए। उसके बाद अकाउंट ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में जब आप इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हो तो थोड़ा टाइम लगेगा KYC कम्प्लीट होने के लिए। 7 डेज के बाद आपको फर्स्ट आपका लोन जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद आप जितने भी लोन के लिए अप्लाई करोगे वो सारे फटाफट हो जाएंगे।